हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 45 रुपए से भी नीचे ये जा चुका है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में यहाँ पर एक पहले तेजी भी बनी थी, 50 पे गया और बाद में एक शार्प डिक्लाइन भी आया। अटेम्प्ट करा दो दिन मतलब इसने तेजी दिखाने का, फिर वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली जरूर है। और एक साल में तो भाई साहब खूब पैसा छाप के दिया है इसने, 434% का ग्रोथ है। और देखो जब पैसा जो है ना यहाँ पर जब 5 गुना हो जाए, 5x हो जाए ना, तो यार एटलीस्ट 20% के डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन होती जरूर है। इससे पहले भी ऐसा हुआ जरूर था कि 42 पर जाने के बाद ये 35 पर भी आया था, तेजी दिखाई और 50 पे गया, अब वापस एटलीस्ट यहाँ पर 40 से 42 रुपीज के लेवल दिखने चाहिए, उसके बाद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर आने जरूरी है और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली एक साल में इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी आई है। और 5 साल का ग्राफ देखो, देखो बीच बीच में तेज़ी आती ज़रूर थी, पैसा डबल होता था लेकिन हर बार वहाँ से गिर जाता था, पैसा डबल होता था हर बार वहाँ से गिरता था। लेकिन इस बार की जो तेज़ी आई है, जो डबल से ज़्यादा यहाँ पर जो 5x बना है पैसा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं इस कंपनी के। पहले जब डबल होता था तो वो न्यूज़ के चलते होता था, वो एक मोमेंटम के चलते होता था, लेकिन इस बार जब ये तेज़ी आई तो फंडामेंटली कंपनी में इम्प्रूवमेंट आया। पहले क्या था कि कंपनी जो थी वो डेट में थी, काफ़ी सारा कर्जा था इसके ऊपर। इससे पहले भी 2 बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इस आखिरी बार, तीसरी बार जब इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद इन्होंने अच्छा पैसा रेस कर लिया और उस पैसों से जो डेट है उसको 90% तक चुका दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है इनके लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एज इनको मिला ज़रूर है। और इनके जो नंबर्स है उसमें एक इम्प्रूवमेंट अब यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि देखो पहले क्या था कि एक बहुत बड़ा जो अमाउंट था, इंटरेस्ट अमाउंट जो डेट इन्होंने लिया था उसको चुकाने में चला जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा यहाँ पर। और पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं और रीज़न भी मतलब जो है वो ये भी है कि बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है, छोटी छोटी पावर कंपनीज़ हैं, इवन बड़ी कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनियां हैं पावर कंपनीज़ में, वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। सोलर में तो चलो वो बढ़ा ही रहे लेकिन उसके अलावा विंड में भी बढ़ रहा है और विंड में ये कंपनी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर, कह लो आप। कंपनी क्या है, विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड कंपनी है, जो टर्बाइन जो बनाए जाते हैं विंड टर्बाइन, उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और जाहिर सी बात है फ़ायदा इनका भी है यहाँ पर। कैपेसिटी इनकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ है, ओवर अगर आप 20,450 मेगावाट्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड है इस कंपनी की और अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंपनी अपने आप को ग्लोबल एक्सपांड की तरफ है। इनकी जो प्रेजेंस है वो 17 देशों में है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके और 8 R&D फैसिलिटीज़ है अक्रॉस द वर्ल्ड में इस कंपनी की। छोटी ज़रूर है ये कंपनी लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा कर दिया। एक टाइम में काफ़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, इसको अपने टाइम से ज़्यादा अहेड वाली कंपनी कहा जाता था। जब कोई विंड एनर्जी की बात नहीं करता था तब इन्होंने अपना कारोबार शुरू करा था, लेकिन बाद में जाहिर सी बात है अग्रेसिवनेस के चलते बहुत ज़्यादा डेट इन्होंने उठा लिया और फिर कंपनी उसी की वजह से बर्बाद भी हो गई थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है वो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा रही, ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ नहीं जा रही है कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए इनके रेवेन्यू ग्राफ देखो तो उतनी तेज़ी से बढ़े नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर बढ़े हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स का भी गेम है, 2.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सुजलॉन के बारे में अगर आप देखो तो यहाँ पर 100% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, कोई खरीदने की नहीं कर रहा, ना ही कोई सेल करने की बात कर रहा, और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ तक बात करें इसके डिविडेंड को, तो हालांकि वो अभी पे नहीं करेगा क्योंकि अभी तो भैया हाल फिलहाल में धीरे धीरे तो प्रॉफिटेबल हुए हैं ये लोग, धीरे धीरे हुए हैं ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली महंगा है ये, 89 का पी जा चुका है इसका, सेक्टर पी 58 का है। देखो हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुका ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आने वाले टाइम में इनके नंबर्स बेटर आ गए, जो इनके रिजल्ट्स है, अगर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। या फिर मैं ये कह लूँ कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन दिखाता है
तो अब भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। 100% एनालिस्ट यहाँ पर बाय करने की बात करें। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज 203 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो इससे पहले के क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास का था। और एक टाइम ऐसा भी था जब प्रॉफिट था भी नहीं, लॉस में थी ये कंपनी। यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे तो 1570 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छे देखने को मिलेंगे। इवन पिछले साल के मुकाबले भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे कि रेवेन्यू बढ़े हैं इनके। हालांकि उतना बहुत बड़ा जंप नहीं है, देखो यहाँ पर सितंबर के मुकाबले रेवेन्यू में बहुत मिनिमम ग्रोथ आया है, लेकिन प्रॉफिट में सीधा 2x का जंप हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न यह है कि डेट जो इन्होंने काफ़ी हद तक चुकाया है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पर जा रहा था वो यहाँ पर सेव हो रहा है इनका। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बड़े इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने REC के साथ डील करी हुई है, और REC से इनको वर्किंग कैपिटल मिल जा रहा है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पैसा आ जाएगा तो वो इनको चुका देंगे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो थोड़ी सी आपको निराशा होगी यहाँ पर कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 13.29% है। लेकिन यहाँ पर देखो तो एक टाइम ऐसा भी था जब प्रमोटर की 80% की होल्डिंग गिर हुई थी। हालांकि कम तब मतलब कम होल्डिंग तब भी थी, लेकिन 80% की गिर हुई थी। अभी एटलीस्ट प्रमोटर की होल्डिंग गिर भी नहीं है। म्यूचुअल फंड भले ही बिकवाली कर रहे हैं, पहले जो म्यूचुअल फंड अगस्त में 4.98% पे थे वो बेच बाज के 1.33 पर आए हैं। डोमेस्टिक ने भी बड़ी बिकवाली करी, 5.93 से बेच बाज कर वो भी 4.82 पर आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो FIIs है उनकी तरफ से बड़ी बाई आती नजर आई, 10.87 से 17.83 पर आए। जो भी बिकवाली हुई है बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो सारी की सारी FIIs ने खरीदी है। यहाँ पर रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल की तरफ से बड़ी बाई डेफिनेटली आई है, अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है। 62.73% की होल्डिंग दोनों की कुल मिलाकर है, जिनमें से 25.62% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना कि यहाँ पर तो चलो म्यूचुअल फंड ने और डोमेस्टिक ने बेचा तो FIIs ने खरीदा, लेकिन जो FIIs ने खरीदा उन्होंने क्या वाकई में मेंटेन करके रखा या फिर बेच दिया अगले क्वार्टर में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी एक टाइम पर ख़राब हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली इसने दिखाया ज़रूर है, और उसी का फ़ायदा इसको मिला है कि शेयर में आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ 5x रिटर्न बनते हैं वहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि 20% या 30% का करेक्शन आना ज़रूरी है। यहाँ पर ₹50 से अगर आप देखोगे तो मुश्किल से यहाँ पर जो करेक्शन है वो 10% का है। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से 10-12% का करेक्शन अगर आता है तब जाके ये एक अट्रैक्टिव लेवल पर जाएगा, तब जाके यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती नज़र आ सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपके पास है तो होल्ड करें, क्योंकि देखो तेज़ी ये कभी भी दिखा दे, क्योंकि फंडामेंटल इनके इम्प्रूव हुए हैं, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली और अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और देखो जो विंड एनर्जी वाला सेक्टर है उस पर डेफिनेटली गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है, बहुत सारी पावर कंपनियां भी उस पर फोकस कर रही है, तो एक एडवांटेज इनके पास ज़रूर है। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब इतनी बड़ी तेज़ी बनती है तो बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन आनी ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे तक जो बाइंग के लिए अच्छा लेवल होगा, जो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत जहाँ से हो सकती है, वो 40 से 42 रुपीज़ की रेंज का लेवल मुझे लगता है। और अगेन मैं कहूँ कि अगर वहाँ पर भी जाता है तो किसी एक लेवल पर भी बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठने चाहिए, वहाँ से भी आपका जो नज़रिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, हर 15-20% के डिक्लाइन पर, यही मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो चैनल, अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।